प्रदेश की मौजूदा सरकार से सब इंस्पेक्टर के रुके रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च, जो दुर्ग शहर के ग्रीन चौक से राजेंद्र पार्क तक नारेबाजी के साथ निकला। दुर्ग शहर में बीती देर शाम ग्रीन चौक से राजेंद्र पार्क चौक तक छात्र छात्राओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल होकर अपने हक और अधिकार की मांग कर नारेबाजी करते नजर आए। गौरतलब है कि प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के लिए इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आने से आक्रोशित इन युवाओं ने प्रदेश सरकार से अपनी गुहार लगाते हुए मांग की है कि सत्ता पर कोई भी बैठा हो, बस इस रुके रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करने आह्वान किया गया। इस दौरान मौजूद सभी छात्र छात्राओं ने अपने हाथों में कैंडल जलाकर प्रदेश की सरकार को अपने लाचारी का संदेश दिया। इस कड़ी में न्यूज टीम को इन युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। लोग ऐसा ही रिजल्ट का जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करें, इसकी मांग करते हैं सरकार जी से। और ये 5 वर्ष हो गए हैं, जैसे इसको पंचवर्षीय योजना के जैसे देखा जा रहा है। पंचवर्षीय से हम भाजपा सरकार से, जो भी सरकार है हमारे छत्तीसगढ़ में, उनसे निवेदन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करें। इसको पंचवर्षीय से की तुलना ना करें, पंचवर्षीय से 10 वर्षीय की ओर ना देखें, जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करें। और हमें आश्वासन नहीं चाहिए सरकार से, हम इन 15 दिनों के अंदर हमको रिजल्ट चाहिए। ओनली रिजल्ट के लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं। बिलासपुर से रायपुर आ रहे हैं, दुर्ग से हम लोग दुर्ग में कैंडल मार्च निकाले हैं और आगे भी ऐसी कोशिश जारी रहेगी। सर, इन लोग जो 25 लाख की बात करते हैं सर, इसमें ऐसी भी मैं ऐसी फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बहुत लोग बिलोंग करते हैं सर। मेरे यहाँ तो ऐसा है कि मेरे मम्मी पापा आज 30 साल हो गए उनका शादी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि 8 लाख रुपये वो कलेक्ट कर सके घर बनाने के लिए, है ना सर। यहाँ पे लोग फालतू में अफवाह फैला रहे हैं कि 25 लाख रुपये दिए हैं। मेरे पापा आज भी 60 साल की उम्र में भी मजदूरी काम करते हैं, अभी भी जाते हैं मिस्त्री काम करने के लिए, और आज भी हम उसी कच्चे मकान में ही रहते हैं। तो सर, अगर वही 25 लाख रुपये अगर रहता तो आज यहाँ ऐसे नहीं करते रहते हम। सर, हम लोग सरकार से बस यही उम्मीद करना चाहिए, यही उम्मीद है सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट दे, क्योंकि सर हम लोग बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आए, लेकिन सर अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने दुर्ग जिला से अपना फॉर्म फिलअप किया था। ये वैकेंसी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी सर 2017-18 में, उसके बाद किन्हीं कारणों से ये वैकेंसी रुक गई थी। फिर ये 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ, जो कंटिन्यू एक कुछ समय अंतराल के बाद इस साल 2023 में इसका सही तरीके से प्रक्रिया 2023 जनवरी से चालू हुआ सर, जो कि पूर्ण होते होते अगस्त का महीना कंप्लीट इंटरव्यू हमने दिया सर। इसमें दिक्कत ये हुई कि जो विद्यार्थी जहाँ से सर कटना चालू हुए, उन्होंने उस स्टेज पे आपत्ति करना चालू कर दिया सर, क्योंकि अभी हम जो 1375 विद्यार्थी जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया है, वो हमने पूरे स्टेज को प्रॉपरली क्लियर कर दिया है सर। और इसमें मैं किसी सरकार या किसी संस्था को आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमको जो मौका दिया गया, हम अपने आप को कैपेबल समझते थे, हमने यहाँ तक क्लियर किया सर एग्ज़ाम। अब हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द कोई विलंब ना करते हुए, कोई राजनीति ना करते हुए हमारे रिजल्ट को जारी किया जाए सर। अमरी साहू है और मैं ऐसा इंटरव्यू देकर आया हूँ, उसका एक अभ्यर्थी हूँ। हमारा रिजल्ट लगभग 8 सितंबर से हमारा जो इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन लगभग 4 महीने होने को जा रहा है, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा और हम बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। वर्तमान गवर्नमेंट से हमारा यही निवेदन है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करे, ताकि हम छत्तीसगढ़ माता की सेवा में अपना कर्तव्य निभा पाए। देखिए, ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम विद्यार्थी हैं, हमारा जो कर्तव्य था वो हमने पूर्णता किया, मगर सरकार का क्या प्रॉब्लम है कि कांग्रेस ने निकाल रही कि बीजेपी, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी इंटरव्यू दिए अभ्यर्थी हैं, वो अपने पूर्ण मेहनत, लगन और पूर्णता अभ्यास के साथ इसको निकाले, इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं है। इसलिए वर्तमान गवर्नमेंट से निवेदन है, हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें और हमको रोजगार दे, और हम भारत माता के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सेवा में अपना भूमिका निभा पाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।